काशी में बाबा मिल गए, बड़े मियां दरगाह में हनुमान जी व शनिदेव प्रकट हो गए। आजकल हर एक प्राचीन मस्जिद मजार में हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां धरती फाड़ कर बाहर निकल रही। ऐसा लग रहा है जैसे अधर्म का नाश होने वाला है। आजकल चारों ओर धर्म बढ़ रहा है। जो कार्य कभी असंभव लगते थे वह अब सहज ही हो जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल हर प्राचीन मस्जिद से, चाहे मथुरा मस्जिद हो या ज्ञानवापी, हर जगह से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं व मंदिरों के प्रमाण मिल रहे हैं, जिन्हें देखकर कट्टरपंथी और सेकुलरों की नींद उड़ी हुई। आज के वीडियो में हम आपको एक बार फिर से ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां नरसिंह भगवान की मूर्ति एक तथाकथित इस्लामिक परिसर को फाड़कर बाहर निकली। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछले करीब 2 महीने से देश भर की तमाम प्राचीन मस्जिदों को लेकर माहौल गर्म है, क्योंकि हर एक जगह से हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों के मिलने की बातें सामने आ रही। अब ताजा जानकारी यह मिली है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में एक खंभे पर एक मूर्ति लगी है, जिसको कई वर्षों से पहचानने की कोशिश की जा रही थी, परंतु अब पुरातत्वविद धर्मवीर शर्मा ने इस मूर्ति की पहचान कर ली। पुरातत्वविद के अनुसार यह मूर्ति भगवान नरसिंह व प्रहलाद की है। धर्मवीर शर्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में क्षेत्रीय निदेशक रहे हैं। उनका दावा है कि भगवान नरसिंह की यह मूर्ति 8वीं-9वीं सदी में प्रतिहार राजाओं के काल की, जिसे वर्षों से पहचानने की कोशिश की जा रही थी। काफी दिनों के प्रयास के बाद पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति की पहचान की है। यह नरसिंह भगवान की दुर्लभतम प्रतिमा है, इसीलिए इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। प्रायः नरसिंह भगवान की सभी प्रतिमाओं में नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यपु को गोद में लिए हुए पेट फाड़ते हुए दिखाया जाता है, परंतु यह प्रतिमा बिल्कुल अलग। नरसिंह भगवान की इस प्रतिमा में प्रहलाद को गोद में लिए हुए दिखाया गया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़कर उसे मार डाला, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि भगवान का क्रोध आप ही शांत कर सकते हैं। इसके बाद प्रहलाद आगे बढ़कर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करने लगे। उस समय भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया था और उनका क्रोध शांत हो गया था। कुतुब मीनार परिसर स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के खंभे पर बनी यह प्रतिमा उसी समय को दर्शाती है। मित्रों, आपको बता दें कि यह मूर्ति 1200 साल पुरानी है और प्रतिहार राजा अनंगपाल के समय काल की है। इस मूर्ति को लेकर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय कहते हैं कि कुतुब मीनार परिसर में पहचानी गई यह मूर्ति अद्भुत है। यह प्रतिमा धार्मिक और अनुसंधानकर्ता समुदाय के लिए एक विशेष आकर्षण का बिंदु है। इस मूर्ति के चित्र देश के मूर्धन्य पुरातत्वविदों को विशेष अध्ययन के लिए भेजे गए। वह कहते हैं कि नरसिंह भगवान की पूजा संपूर्ण भारत में बहुत ही श्रद्धा भाव से की जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की सभी विशेष पूजाएं निकट स्थित नरसिंह मंदिर में ही संपन्न होती हैं। नरसिंह भगवान दुष्ट व्यक्ति व मर्यादा भंजक को हर स्थिति में दंडित करने का भी प्रतीक है। हिंदू समाज कभी भी हिंसात्मक नहीं रहा। जब जब अधर्म व अत्याचार बढ़ा तो किसी न किसी देवता ने दुष्टों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। नरसिंह भगवान भी धर्म स्थापना के देव हैं और वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। कुतुब मीनार स्थित इस विवादित ढांचे की बात करें तो इसकी कहानी सबसे अलग है। यहाँ कुछ भी अनुमानों पर आधारित नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। जिस विवादित ढांचे को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का नाम दिया गया है, इसकी दीवारें और स्तंभ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसका निर्माण टूटे हुए मंदिरों की सामग्री से हुआ है। इस मस्जिद के ढांचे में पीछे की तरफ गणेश जी की 2 उल्टी प्रतिमाएं लगी हुई। इसके अलावा एक स्थान पर भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन मूर्तियों के आधार पर किया गया है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस ढांचे का निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं एक शिलालेख पर यह लिखवाया है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। मित्रों, ASI के एक पूर्व अधिकारी कहते हैं कि कई साल पहले कुतुब मीनार के पास भगवान विष्णु की एक मूर्ति निकली थी, जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय में भिजवा दिया गया था। उसके बाद कुतुब मीनार परिसर या उसके आसपास धरोहरों को हासिल करने के लिए कभी भी खुदाई नहीं की गई। पुरातत्वविद DV शर्मा कहते हैं कि यदि कुतुब मीनार परिसर के आसपास खुदाई करवाई जाए तो निश्चित तौर पर मंदिरों के प्रमाण और मूर्तियां निकलेंगी। मित्रों, जरा विचार कीजिए कि इतने प्रमाण यदि दूसरे समुदाय को उनके धार्मिक स्थल के मिले होते तो क्या वह शांत बैठते, या इतने प्रमाण होने के बावजूद तमाम सेकुलर हिंदुओं को ही दबाने में लगे हुए। जयचंद को ना हमने देखा ना आपने देखा है, लेकिन सेकुलर हिंदुओं को देखकर यह लगता है कि यह सभी उसी जयचंद के वंशज हैं, जिसने निजी स्वार्थ के चलते देश के साथ गद्दारी की थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।